नमस्कार दोस्तों, चलिए आज गार्डन का टूर करते हैं इन खूबसूरत फ्लावर के साथ। देखिए कितने सुंदर फूल लग रहे हैं। तो आज मैं टूर के साथ साथ ये भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी सब्जियां लगाई हैं और कौन सी अभी लगाने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने नहीं लगाई है तो आप भी मेरे साथ साथ लगा लीजिएगा। तो गार्डन शुरू करने से पहले एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए अरबी, ये मैंने अरबी लगाई है। देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर लग रही है। देखिए ऊपर इसके, रात की बारिश हुई है, पानी की बूंद कैसे इसकी मोती की तरह चमक रही है। और ये देखिए ये है मूली, मूली भी मैंने लगा ली है। ये भी जर्मिनेट हो गई है कुछ। ये है दोस्तों, मैं जो भी सब्जियाँ लगाती हूँ, मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया हुआ है इसका कि मैं बीच में थोड़े थोड़े दिनों का गैप डाल के सब्जियां लगाती हूँ, जो भी सब्जियां लगाती हूँ। तो यही एक मेरा सीक्रेट टिप है कि जो मैं साल भर मुझे हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। और ये देखिए हल्दी, हल्दी भी मैंने बीच में गैप रख के ही लगाई हुई है क्योंकि तब मेरे पास ये ग्रो बैग खाली नहीं थे, तो थोड़ी मैंने पहले लगा ली और थोड़ी फिर वह मैंने बाद में लगाई। वो भी मैं आगे चल के दिखाती हूँ जो मैंने बाद में लगाई। और ये देखिए ये है मिर्ची का पेड़, ये जो गिर गया था आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है कि एकदम टूट गया था तो मैंने निकाल के बाल्टी में लगा दिया था। और ये देखिए चने, ये चने का साग, देखिए ये भी बड़ी जल्दी ग्रो हो जाता है, ये भी आप अभी लगा सकते हैं। और ये देखिए ये है सौंचर, जिसको कामन मालो भी बोलते हैं, ये उसकी मैंने सीडलिंग ग्रो की है। ये कश्मीरी कामन मालो है, सौंचर है, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं। इसकी भी वीडियो मैंने पहले से शेयर की हुई है, वो भी अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। और ये है कुंदरू, ये है कुंदरू की बेल, जिसको कनोरी भी बोलते हैं। तो इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, ये मैंने दो तीन बार पहले भी लगाई है लेकिन कामयाब नहीं हुई। इस बार इसमें फ्लावरिंग आ गई है, अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही है। और इसी के बीच जो बाकी कंटेनर खाली पड़ा था उसमें मैंने मेथी डाल दी और देखिए मेथी भी अच्छे से ग्रो हो रही है। मेथी भी अभी आप लगा सकते हैं। और इधर देखिए ये मैंने पालक डाली हुई है और ये शलगम डाली हुई है बीच में, तो ये भी आप अभी लगा सकते हैं। ये देखिए ये है टमाटर, ये टमाटर का पौधा मैंने बाल्टी में लगाया हुआ है। और ये है कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता मैंने सीड से ग्रो किए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और ये है इटालियन बेजल, ये भी बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए कितना अच्छे पौधे मेरे चल रहे हैं। और ये है मूली, ये ख़राब हो गई है, अभी बारिश हुई है तो ये पौधे सारे जो हैं वो टूट गए हैं। ऊपर से मैं ढकना भूल गई थी तो इसके पौधे बड़े नाजुक होते हैं तो टूट गए हैं। और ये देखिए ये मैंने लहसुन लगाया था, गार्लिक, इस ये भी निकल आया अभी। ये देखिए बीच बीच में निकल आया, ये भी दो तीन दिन ही हो गया मेरे को लगाए हुए। तो अभी आप अक्टूबर नवंबर में अभी आप ये लगा सकते हैं लहसुन। ये देखिए इधर भी लहसुन लगाया हुआ है, दो क्यारी में मैंने लहसुन लगाया। और इधर ये देखिए ये गोभी मैंने अभी कल ही लगाई है,
गोभी लगाई है, कड़म लगाया है। देखिए अभी कल ही मैंने शाम को लगाया है, रात को लगाया है। और अभी इधर चलते हैं, ये देखिए अनार, इस बार अनार में फ्लावरिंग भी अच्छी आ रही है। देखिए कितने सारे इसमें फल लग रहे हैं, अभी देखते हैं कितने इसमें रहते हैं और कितने इसमें गिर जाते हैं। और ये देखिए, ये मैंने सेकंड रो में हल्दी लगाई थी, पहली वो बताइए और दूसरी बार मैंने ये इसमें कंटेनर में लगा दी थी। ये है हरे बैंगन के पौधे बाल्टी में लगे हुए हैं। और इधर देखिए ये अंजीर का पौधा, इसमें भी अंजीर लग रहे हैं। ये भी बस एक फल ख़त्म नहीं होता, दूसरा फल जो है तैयार हो जाता है इसका। और ये गन्ने लगाए हुए हैं, गन्ने भी मैंने इस बार एक ही कंटेनर में लगाए हैं। पहले मैंने तीन ड्रम में लगाए हुए थे, लेकिन वो निकालने में, खाली करने में उसमें बहुत ही मेहनत लगी, बहुत मुश्किल हुई। इस बार एक में ही लगाए हैं। और ये देखिए बैंगन के पौधे, ये भी मेरे अच्छे से चल रहे हैं। और ये है शिमला मिर्च, शिमला मिर्च के पौधे मैंने दो तीन दिन ही हुए लगाए हुए। ये मैंने शिमला मिर्च किचन से लेके उसी के सीड ग्रो किए थे जो मैंने लगाए हैं। और ये देखिए ये है शलगम, गोंगलू जिसे बोलते हैं, गांठ गोभी, सॉरी गांठ गोभी नहीं, गांठ गोभी को तो कड़म बोलते हैं। ये शलगम है जो रेड वाली। और ये है पालक, पालक देखिए कितनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है इसकी। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और जाते जाते फिर एक बार बोलूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दें। और ये देखिए ये भी है नाड़ी का साग, ये भी दो तीन हार्वेस्टिंग मुझे मिल गई है, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं कि कटिंग से कैसे ग्रो करते हैं। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी।